नमस्कार, क्रांति ओडिशा में आपका स्वागत है। दूर एक गांव में कुछ मोटी बिल्लियां रहती थी। उसी गांव में कुछ चूहे भी रहते थे। आपको क्या लगता है, वे आपस में दोस्त थे? एक दिन मोटी बिल्लियों ने दावत करने की सोची। उन्होंने हलवाई को बुलाया। उसने बड़ी सी आग जलाई और भात, पेठा और कई पकवान पकाए। बड़े बड़े बर्तनों में से अच्छी खुशबू सब जगह फैल गई। सबके मुंह में पानी आ गया। अब मोटी बिल्ली ने चूहों को भी दावत में बुलाया। चूहे खुशबू सूंघ ही रहे थे, इसलिए वे बड़े खुश हुए। उन्होंने अपने मुखिया से दावत में जाने की अनुमति मांगी। उनके होशियार मुखिया ने कहा, तुम जा सकते हो, पर याद रखना कि बिल्लियां हमारी दुश्मन है। उनके आसपास सावधान रहना, किसी को चोट नहीं आने चाहिए। पहले वहां अपने नीचे एक बिल खोद लेना, अगर कुछ गड़बड़ हो तो उस राह से भाग निकलना। चूहे दावत में गए, उन्होंने इधर उधर देखा और थोड़ा पेठा खाया। चुपचाप से अपने नीचे बिल भी बनाते रहे। संगीत बज रहा था और बिल्ली और चूहे मिलकर नाच रहे थे। डम डम बज रहा ढोल और बज रही तुरी, नाचो गाओ पकड़ो खाओ। मोटी बिल्ली ने गाया। चूहों को इसका मतलब पता था। नाचो गाओ भाग जाओ उनका जवाब था। गाते गाते वह अपने बिलों के रास्ते से भाग निकले। मोटी बिल्लियों को हार माननी पड़ी। भूखी और परेशान भी चली गई, क्योंकि बिना स्वादिष्ट चूहों के भला दावत कैसी। मॉरल ऑफ द स्टोरी, वी शुड ऑलवेज बी केयरफुल व्हाइल वी आर इन अननोन सिचुएशन।